आपने भाई अभी अभी एक प्लेस्टेशन 4 या प्लेस्टेशन 5 खरीदी है और शॉपकीपर जो है ना वो आपको कहे सर 1000 रुपए और दे दो और आपको 700 गेम दे दूंगा मैं, तो क्या आप इस बात पे यकीन कर पाओगे? अब भाई देखो, यकीन करो या ना करो बट ये बात सच है। जी हाँ, ये बात सच हो चुकी है। जिस तरह से आपको पता होगा कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, हॉटस्टार है, इनकी सब्सक्रिप्शन लेने पे हमें काफी सारी मूवीज मिल जाती है एक साथ, तो हमें एक एक मूवी के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, एक साथ ही सब्सक्रिप्शन में 1000 मूवीज का कलेक्शन मिल जाता है। उसी तरह से भाई गेम्स के कलेक्शन का भी एक सब्सक्रिप्शन आता है एक्सबॉक्स में, जो कि कहते थे हम उसे गेम पास। बट भाई फाइनली सोनी ने भी हमारे लिए कदम उठा लिया है और अपना एक ऐसा ही पैकेज या सब्सक्रिप्शन लेकर आ गई है। और इस सब्सक्रिप्शन में ना आपको कुछ ही पैसे देने हैं और भाई 700 से भी ज्यादा गेम्स आप फ्री में डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। तो अब ये भाई एक सपना नहीं रहा, सच हो गया है। मतलब सोचो, जो एक्सबॉक्स की सेल्स होती थी वो पहले इतनी कम थी, गेम पास की वजह से काफी लोग खरीदते थे, बट अब प्लेस्टेशन की अपनी सब्सक्रिप्शन आ गई तो एक्सबॉक्स की सेल्स का तो क्या ही होगा। तो जो ऑलरेडी सोनी प्लेस्टेशन ओन करते हैं उनको पता होगा इनकी एक सब्सक्रिप्शन है प्लेस्टेशन प्लस के नाम से, जिसमें बेसिकली आपको कुछ फीचर्स मिलते थे और हर महीने 2-3 गेम्स भी फ्री में मिलती थी जिनको आप डाउनलोड करके रख सकते थे, और जब तक आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तब तक आप उन गेम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट खेल पाओगे। बट अब जो है ना, सोनी ने भाई 2 महीने पहले अनाउंस किया था कि हम प्लेस्टेशन प्लस को ही ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं, और इसी के ना हम 2-3 प्लान्स और लॉन्च करेंगे जिसमें हमें गेम्स ना भाई जो 2-3 है ना मंथली, वो एकदम से आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी 700 या 800 गेम्स की। तो मैं भाई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था एंड फाइनली जून आ गया है। 13 जून को बाहर जो है ये लॉन्च हो चुकी है सर्विस, और इंडिया में अभी बस 23 जून मतलब 4-5 दिन रह गए हैं, आ जाएगी यहां पर भी। नाम उन्होंने यही रखा है प्लेस्टेशन प्लस, बस इसमें हमें 3 पैकेजेस देखने को मिलते हैं एंड सेम 3 पैकेज इंडिया में भी है, बट जो तीसरा पैकेज है ना उसका नाम चेंज है। वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि कौन सा पैकेज कितने का है, उनमें कौन कौन सी गेम्स आपको देखने को मिल सकती है या फिर अब तो बाहर लॉन्च हो चुका है, कौन कौन सी गेम्स मिल रही है देखने को, एंड साथ ही साथ भाई आपको कौन से वाले पैकेज में इन्वेस्ट करना चाहिए गेम्स के मतलब से, या फिर करना भी चाहिए बेकार है ना, सब कुछ आपको इस वीडियो में आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपने प्लेस्टेशन 4 या प्लेस्टेशन 5 खरीदी है रिसेंटली और आपके पास गेम्स का कलेक्शन नहीं है तो भाई गेम्स खरीदना कर दो बंद, 23 जून तक वेट करो और ये वीडियो पूरी एंड तक देखो ताकि आपकी हेल्प हो सके। पैकेजेस आपको बता दूं जो 3 है ना, उसमें से पहला है प्लेस्टेशन प्लस एसेंशियल, सेकंड है प्लेस्टेशन प्लस एक्स्ट्रा एंड थर्ड है भाई प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम। ये तो है 3 पैकेजेस बाहर के, बट इंडिया में क्या चेंज है, शुरू के जो 2 पैकेज है वो तो भाई सेम नाम से है, बट जो प्रीमियम वाला पैकेज है ना तीसरा बाहर, वो भाई इंडिया में प्रीमियम लॉन्च नहीं हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ डीलक्स के नाम से। ऐसा क्यों है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस की बात करूं, जो फर्स्ट पैकेज है एसेंशियल वाला वो मंथली है $9.99, यानी कि इंडिया में वही ₹700 का, और ईयरली पैकेज की बात करें तो ये पड़ता है आपको $59.99 का। ये जो एसेंशियल वाला प्लान है ना, ये भाई पुराने वाले ही सेम है प्लेस्टेशन प्लस का, इसमें आपको मंथली फ्री गेम्स मिलती है 2 या 3 डाउनलोड करने को, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मिलता है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है, क्लाउड स्टोरेज मिलती है, शेयर प्ले का फीचर मिलता है, प्लेस्टेशन प्लस का कलेक्शन मिलता है जिसमें आपको 20 गेम्स मिलती थी गॉड ऑफ वॉर जैसी। तो बस इसमें नाम ही चेंज हुआ है एक तरह से, एक्स्ट्रा फीचर कोई भी ऐड नहीं किया गया एंड प्राइजेस भी भाई पहले वाले ही है सेम डिटो। सेकंड पैक है भाई एक्स्ट्रा वाला, इसमें ना वो सारी चीजें तो मिलेगी जो एसेंशियल वाले पैकेज में है, बट इसके अलावा भाई 400 गेम्स की लाइब्रेरी आपको प्लेस्टेशन 4 एंड 5 की मिलेगी एक्स्ट्रा। तो मतलब भाई ऑलमोस्ट 450 गेम आपको फ्री मिल रही है इस वाले पैकेज में, जो मेरे हिसाब से भाई बहुत तगड़ी डील है। कुछ पॉपुलर गेम्स के नाम बताऊं आपको, जैसे कि है Assassin's Creed Valhalla, Bloodborne, Days Gone, Death Stranding Director's Cut, Deliver Us the Moon, Demon's Soul, Far Cry 3, Far Cry 4, Final Fantasy, और इसके अलावा भी भाई काफी सारे तगड़े टाइटल्स हैं। हाँ, इस सब्सक्रिप्शन में ना थर्ड पार्टी टाइटल्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, वो तो ऑब्वियसली गेम पास में भी नहीं होते थे, तो जो सोनी के फर्स्ट टाइटल्स है ना, फर्स्ट पार्टी टाइटल्स है, वो आपको ऑलमोस्ट काफी सारे मिल जाएंगे। इस वाले पैकेज की कॉस्ट की बात करें तो मंथली $14.99 आपको पड़ेगा, वही मतलब 1100-1100 रुपए के आसपास, और ईयरली पड़ेगा $99.9 का, जो पड़ता है वही 7-7.5 हज़ार का, तो साल का काफी सस्ता पड़ रहा है। मैं तो रेकमेंड साल का ही करता हूं अगर आपको यूज करना है, बाकी ट्रायल के लिए आप एक बार 1 मंथ का ले सकते हो, पसंद आए तो फिर सीधा साल का ही लेना, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं क्योंकि अपना क्वार्टरली और साल वाले प्लान्स में। थर्ड पैक है प्लेस्टेशन प्लस प्रीमियम, जो मंथली पड़ता है $17.99 का, अराउंड मतलब इंडियन करेंसी में 1200-1300 रुपए के आसपास, और ईयरली पड़ता है $119.99 का, इंडियन करेंसी में अराउंड 9000 रुपए के आसपास। इसमें भाई एक्स्ट्रा वाले सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ ही साथ में ना भाई एक्स्ट्रा कुछ गेम्स भी मिलेगी, उतना ही नहीं उन गेम्स में भाई क्लासिक गेम्स टाइटल्स भी आपको मिल जाएंगे प्लेस्टेशन 1, 2 एंड 3 PSP वगैरह के, जो कि भाई मेरे को काफी एक्साइटिंग लग रहा है। साथ ही साथ में ना इस पैकेज में आपको प्लेस्टेशन नाउ की भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी साथ में, तो ये जिनको नहीं पता बता दूं, इंडिया में तो ये काम नहीं करती है, बाहर की कंट्रीज में प्लेस्टेशन नाउ एक गेम स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसकी मदद से ना आपके पास
पास अगर अपना प्ले स्टेशन नहीं है, पीसी नहीं है, तगड़ा हाई एंड, इन शॉर्ट ये क्लाउड गेमिंग होती है। थोड़ा रिसर्च कर लेना, आपको इस बारे में पता चल जाएगा। बीच में गूगल स्टेडिया आया था, उसकी भी काफी हाइप बनी थी ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। बट इंडिया में ये प्ले स्टेशन नाउ की सर्विस काम नहीं करती है। तो अब अगर आप ये प्रीमियम वाला प्लान लेते हो ना बाहर, तो भाई आपको प्ले स्टेशन नाउ की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं अलग से, इसी में आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इतना ही नहीं भाई, गेम्स के ट्रायल्स भी मिलेंगे। जी हाँ, काफी सारी ऐसी गेम्स है जो भाई आप मतलब इतनी महंगी महंगी होती है, इस पैकेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगी वो गेम, बट हाँ कुछ घंटों तक आप उन गेम्स को ना फ्री में एंजॉय कर सकते हो अगर आप ये प्रीमियम वाली सर्विस लेते हो। इन वाली गेम्स के एक दो नाम बताऊं तो होराइजन फॉरबिडन वेस्ट हो गई, साइबर पंक 2077 और इसके अलावा भी कुछ गेम्स हैं जो आप 2 घंटे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हो। और अगर क्लासिक गेम्स के टाइटल की बात करूं ना जो आपको इसमें मिलेगा, वो है भाई एप एस्केप PS4 PS5 का, बैटमैन मिल जाएगी 2 आपको, टेकन 2 है भाई, वाइल्ड आर्म्स, जैसी तगड़ी तगड़ी गेम्स आपको खेलने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और इन गेम्स के ना आपको भाई बेटर फ्रेम रेट्स एंड रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, जो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था 720p टू 1080p, एंड साथ ही साथ PSP के एंड PlayStation ओरिजिनल के टाइटल्स में ना आपको सेव एंड रिवाइंड का भी फीचर मिल जाएगा। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ प्रीमियम सर्विस के लिए, बट साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा दुख की भी बात है कि इंडिया में प्रीमियम वाली सर्विस जो है वो लॉन्च नहीं हो रही है, जबकि जो थर्ड पैकेज है ना उसका नाम इंडिया में आया है भाई डीलक्स के नाम से। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि PlayStation नाउ ऑलरेडी यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब इनकी जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो यहाँ पर नहीं है इंडिया में, तो प्रीमियम लॉन्च करने का मतलब भी नहीं बनता था, इसलिए PlayStation या सोनी ने मॉडिफाई करके उसको डीलक्स के नाम से लॉन्च कर दिया इंडिया में। अब इसमें सब कुछ आपको टाइटल वाइटल 700-750 मिलेंगे, बट आप ये जो PlayStation नाउ वाली चीज है ना ये आप यूज नहीं कर सकते हो, बाकी पूरा प्लान सेम है। प्राइसिंग अभी मेरे को आइडिया नहीं है भाई इंडिया में ये वाला प्लान कितने का लॉन्च होगा, तो वो देखते हैं भाई 23 जून को ही पता चलेगा एग्जैक्ट। बट पुरानी क्लासिक गेम्स जो आप डाउनलोड करके खेल सकते हो ना वो इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, स्ट्रीमिंग वाली गेम्स आपको नहीं मिलेगी, तो ये थोड़ा सा डाउन साइड है, बट ठीक है भाई जो भी है। मेरे हिसाब से ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं प्राइस में जो एक्स्ट्रा वाला और डीलक्स वाला प्लान है इंडिया में, तो आप डीलक्स वाले लो और वो भी ईयरली वाला ले लेना, थोड़ा पैसे वैसे ना बच जाएंगे। मैं तो पर्सनली भाई लेने वाला हूं 23 जून को। और अगर आपकी ऑलरेडी PS प्लस की मेंबरशिप चल रही है ना पहले से, तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी PlayStation प्लस एसेंशियल में, क्योंकि सर्विसेज सारी सेम मिल रही है इसलिए तो आप वो अपग्रेड हो जाओगे। बाकी आपको नई खरीदनी है तो मेरे हिसाब से फिर आप या तो एक्स्ट्रा वाली ले लो, और अगर थोड़े से पैसे और है तो भैया फिर तो डीलक्स वाली लो आंख बंद करके मजेदार। और आपकी PlayStation लाइब्रेरी में भाई 700 से ज्यादा गेम्स जो है वो ऐड हो जाएगी मस्त मस्ती। और साथ ही साथ सोनी ने ये भी ऑफिशियली कहा है कि भाई ये जो गेम्स की लाइब्रेरी है हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहेंगे, मतलब नई नई गेम्स जो है वो ऐड होती रहेगी। ये भी हो सकता है वैसे कुछ कुछ गेम्स हटती भी जाए, जैसे अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किया था गेम पास में, बीच में कुछ गेम्स रिमूव कर दी थी, बट कुछ कह नहीं सकते, बढ़ेगी तो गारंटी है, कम होगी वो कोई गारंटी नहीं है अभी। तो यार आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे नई PlayStation प्लस की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। जिनको नहीं पता था PlayStation प्लस के बारे में उनको भी एक आइडिया हो गया होगा, बाकी जो नए वाले प्लान है उसको भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कुछ भी छूट गया हो तो भैया माफी, कुछ गलत हो गया उसके लिए माफी, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है, मैंने कुछ भी गलती करी हो तो आप उसको प्यार से बड़े करेक्ट कर सकते हो कमेंट्स में। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे हमारे ही जैसी भाई लोग की जो गेमिंग कम्युनिटी इंडिया की हिंदी में जो गेम्स देखना पसंद करते हैं एक्सप्लेनेशन वगैरह, उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी नए हो चैनल पे मेरी हेल्प करना चाहते हो तो भाई वीडियो को लाइक करके साथ साथ सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। चलो जी टाटा बाय बाय।